हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं चंद्रशेखर कुमार और आज मैं आपको मैथ के स्टूडेंट में स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम सीखेंगे फर्स्ट चैप्टर रियल नंबर के बारे में। और रियल नंबर्स में हमारा जो फर्स्ट एक्सरसाइज है उसमें हम यूज करेंगे यूज़ यूक्लिड डिवीज़न एल्गोरिथम टू फाइंड द एचसीएफ ऑफ टू नंबर्स। यानी यूक्लिड डिवीज़न एल्गोरिथम का प्रयोग करके हम दो संख्याओं का एचसीएफ ज्ञात करेंगे। और एचसीएफ निकालने के लिए कुछ स्टेप होता है जिसको हमने यहाँ पे पहले लिखा है। जैसे यहाँ पे फर्स्ट मैंने देख सकते हैं, पहला स्टेप है आइडेंटिफाई द ग्रेटर नंबर ऑफ द टू, यानी दो संख्याओं में जो बड़ा संख्या है सबसे पहले हम उसको आइडेंटिफाई करेंगे। इसका दूसरा स्टेप होता है कंसाइडर द ग्रेटेस्ट नंबर एज डिविडेंड एंड द स्मॉलर वन एज डिवाइजर। यानी जो हमारा बड़ा संख्या होगा यानी ग्रेटेस्ट नंबर उसको हम डिविडेंड मानेंगे और जो छोटा संख्या होगा यानी स्मॉलर उसको हम डिवाइजर मानेंगे। उसके बाद तीसरा स्टेप हम करते हैं फाइंड द कोसेंट एंड द रिमाइंडर। अब दोनों को हम डिवाइड देकर कोसेंट और रिमाइंडर को पता करेंगे। उसके बाद फोर्थ स्टेप आता है इफ़ द रिमाइंडर इज जीरो, अगर हमारा रिमाइंडर जीरो आता है देन द डिवाइजर इज द रिक्वायर्ड एचसीएफ। अगर हम डिवाइड देते हैं और हमारा रिमाइंडर जीरो आता है तो हम जिससे डिवाइड दिए वो हमारा एचसीएफ हो जाता है। अदरवाइज गो टू द नेक्स्ट स्टेप, अगर हमारा रिमाइंडर जीरो नहीं आता है तो फिर से हम नेक्स्ट स्टेप का यूज करेंगे। और अगला स्टेप है टेक द रिमाइंडर एज द न्यू डिवाइजर, जो रिमाइंडर जो बच जाता है उसको हम एक नया डिवाइजर मान लेंगे एंड द डिवाइजर एज द न्यू डिविडेंड। यानी पहले से जो हमारा डिवाइजर था उसको हम एक नया डिविडेंड मान लेंगे और उसको फिर से डिवाइड देंगे। रिपीट स्टेप 3, 4 एंड 5 टिल द रिमाइंडर जीरो इज ऑब्टेन। जब तक कि हमारा रिमाइंडर जीरो नहीं आ जाता तब तक हम 3, 4 और 5 का स्टेप को दोहराते रहेंगे। द लास्ट डिवाइजर फॉर द विच रिमाइंडर इज जीरो इज द रिक्वायर्ड एचसीएफ। यानी जब हम डिवाइड देते चल जाएंगे ये स्टेप को फॉलो करेंगे स्टेप 3, 4 और 5 तो हमारा एक समय हमारा जो रिमाइंडर वो जीरो आ जाएगा। जिसमें हमारा रिमाइंडर जीरो आ जाता है तो उसमें जो डिवाइड हम डिवाइड करेंगे जो डिवाइजर होगा वो हमारा रिक्वायर्ड एचसीएफ आ जाता है।